माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों को आप देख रहे हैं मेरे पीछे आदिवासी संगम परिषद और आदिवासी नेता गण के साथ। आदिवासी के जो बच्चे हैं वो बेला के एसटी हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो आज रोड पर आकर पाठशाला है और इस पाठशाला के अंतर्गत में यहाँ पर आज रोड पर आए। इनके रोड पर आने की वजह ये है कि ये अपने स्कूल से घर अपने आश्रम पाठशाला से घर जा रहे थे। इनका घर जाने की वजह उन आदिवासी नेतागण ने पूछा तो वो साफ कह रहे हैं कि चार दिन से नहाने के लिए पानी नहीं है और आज का पांचवा दिन है, हमें पीने के लिए सही तरीके से पानी भी नहीं है। जो नालों पे नदियों में जो पानी जो गंदा पानी होता है उस तरह से हमको पानी पिलाया जा रहा है। जो बारीक चावल खिलाने की बात थी, चलिए हमको तो मोटे चावल ही चाहिए, लेकिन उन मोटे चावल भी नसीब से नहीं आ रहे हैं और उसमें भी कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ना दाल सही है, खाने पीने की इन बच्चों की जो है खाने पीने के कई दफा लाले पड़े हुए हैं और कई दफा ये बच्चे भूखे भी हैं, ऐसा बच्चों का आरोप है। प्रभु ITDA PO यानी प्रोजेक्ट ऑफिसर इन लोगों को स्पेशल दिया जाता है इस पर ध्यान रखने के लिए। शायद यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर का भी ध्यान नहीं है, वो तो प्रोजेक्ट ऑफिसर की तो बात दूर रही, लेकिन जो जो मंडल के जनप्रतिनिधि है वो भी आज तक उस हॉस्टल में विजिट नहीं करे। ये संगम परिषद की और नेतागण जाकर वहाँ विजिट करते, आने वाले 24 तारीख को ही वहाँ पर विजिट करे थे। वहाँ पर जब भी उस वक्त भी देखा गया तो खाने पीने के लाले हैं। अभी जो वार्डन मैडम है उनसे कहा जाए तो वो मैडम कह रहे हैं कि जैसा है वैसे खाइए, और मैडम भी चार दिन से छुट्टी पर थे और आज ही मैडम आए हैं और मैडम का भी जो तेवर है वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। और मैडम भी और मैडम को भी अगर कुछ पूछा जाए तो हमसे कुछ मत पूछो, जो है वो खाते जाओ करके कह रहे हैं। अभी इन आदिवासी संक्षम परिषद और आदिवासी नेतागण का कहना है कि अभी ये बेला केंद्र में है, यानी बेला मंडल केंद्र में स्थित एसटी हॉस्टल है, यहाँ पर ये हाल है। तो सदलपुर में गुरुकुलम है और सैदपुर में एक हॉस्टल है और चंपली में भी हॉस्टल है, उन हॉस्टलों का क्या हाल होगा। हाल यहाँ पर आदिवासी की तरफ से जो बच्चे हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो हाल है वो बस से बदतर होते जा रही है, और एक ही रूम में खाना खाना और एक ही रूम में सोना और उसके बावजूद वही रूम में हमको पढ़ाई करने दी जा रही है। देखिए क्लास भी वहीं लगाई जा रही है। ये सारे जो मसले हैं यहाँ पर इसी मसलों को सामने लाने के लिए सरकार को ये बताने के लिए जो आदिवासी नेता तक है आज रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ चाहिए। सरकार तो कहती है कि आदिवासी बच्चों को सपोर्ट कर उसको ऊंचा उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आदिवासी बच्चों को दिन पर दिन पीछे खींचा जा रहा है और उनको पढ़ाई में कमजोर कर दिया जा रहा है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जब ये आदिवासियों के बच्चे जब पढ़ेंगे तो सवाल करने के लायक बन जाएंगे, लेकिन इनको उस सवाल करने के लायक छोड़ रहे ही नहीं है क्योंकि इनकी शिक्षा में अड़थड़ा डाल रहे हैं। और इनको सबसे जो बड़ी चीज होती है ये पेट की भूख, और उस पेट की भूख को खत्म कर इनकी जो पेट की भूख को मार कर इनको ये बच्चे इन जो नेतागण है और यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर है इनकी पेट की भूख नहीं मिटा रहे, और अगर पेट की भूख नहीं मिटेंगी तो ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और इसी संदर्भ में आज इनके नेतागण भी एक आहद लेकर खड़े हैं कि जब हमारे बच्चों के साथ जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक हम रोड पर बैठेंगे। कम से कम करीबन अभी 2 से 2.5 घंटा हो रहा है लेकिन बच्चे चिलचिलाती धूप में रोड पर बैठे हुए हैं और फिर से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आगे की भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। వేరా
तो ब्रोकर ले लो वाले ठीक है। ఇప్పటి సమాధానం మీరే చెప్తారు మేడం ఎందుకు లేదు మేడం ఇంకా ముందు వచ్చినాం కదా మేము बेला मंडल में अंबेडकर शख्स का बाबा साहेब अंबेडकर संविधान में लिखे सो एसटी पांचवी शेड्यूल और सिक्सवें शेड्यूल में अपना आदिवासी को अधिकार दिए, लेकिन अभी तक अधिकार का दुरुपयोग कर रहे बाबा साहेब अंबेडकर शख्स का। हम बोल रहे कि अब इससे पहले हम या आश्रम पाठशाला उन्नत आश्रम पाठशाला बेले में 24 तारीख को हम विजिट करे, वहाँ खाने का बराबर सोई नहीं, बराबर बाथरूम संडास रूम बराबर नहीं है, वहाँ करंट का बिजली का समस्या है, सब जाके जले तो हमारे आदमी है, हमारे मास्टर रहते, हमारे बच्चे रहते, बोल के हम जाके मर्यादा उनको उनको समझा के बोले, लेकिन अभी तक उनका हाल वैसा है, अभी भी वैसे है पूरा। आप हॉस्टल में देखे तो हमारे बच्चे, हमारे यहाँ हमारे नेतागण जाके वहाँ यहाँ बच्चे पूरा बैग निकल गए तो उन्होंने बोले तो कहाँ निकले, हमारे को 5 दिन से पानी नहीं यहाँ, 5 दिन से बराबर खाना नहीं खिला रहे, खुद को वार्डन मैडम को बुला पूछे तो खाओ नहीं तो मत खाओ फेंक दो, लेकिन ये मेरे को क्वेश्चन करने का तुम्हारे को अधिकार नहीं बोल के उन्हें बच्चों को डरा के बात कर रहे थे। उस वास्ते हम या बच्चों को हमारे घर छोड़ के उन्हें माँ बाप बोल के उन्हें वार्डन या हेडमास्टर हो या स्कूल के उन्हें सब कुछ देखने वाले थे वैसा बोले तो हम क्या करेंगे बोल के हम बच्चों को या अम्बेडकर चर्ची में हम या रोड पे बैठ के धारणा कर रहे, क्योंकि 5 दिन से उनको पानी नहीं है, वहाँ पानी नहाने के लिए नहीं, पीने को बराबर पानी नहीं है और खाने को लिए बराबर खाना भी नहीं है, और बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए वहाँ टॉयलेट देखो तो मुश्किल का बात है, वहाँ देखो तो पोजीशन हॉस्टल में जाके तो विजिट करें, हम कुछ भी बोलते हमारे पेवर में बोलते तुम जाके तुम हमारे या मजिस्ट्रेट क्या है, हमारा पीओ साहब रहता बास ITDA PO प्रोजेक्ट ऑफिसर रहता, उन्हें जाके वहाँ इंक्वायरी करना इमिडिएटली, कौन वहाँ अपने वार्डन को इमिडिएटली सस्पेंड करना बोल के हमारे मांग है, और इससे और क्या है वो बच्चे को बराबर जगह नहीं पूरी रही, वहाँ बच्चे एक ही जगह पढ़ रहे, वहाँ एक ही जगह सो रहे भाई, पढ़ रहा वहीं सोना भी वहीं, उस वास्ते वहाँ बिल्डिंग पे का भी समस्या बहुत समस्या है, ये मंडल हेड क्वार्टर में वैसा पोजिशन है, तो हमारा सैदपुर हॉस्टल है, चंदपिले आश्रम पाठशाला है और गुरुकुला सैदलपुर में वो खेड़े में क्या पोजीशन रहता, ये मंडल हेड क्वार्टर में रोड पे ये पोजीशन है, तो हमारे खेड़े क्या हमें क्या बोलता, हमारा आदिवासी जंगल में रहने वाले जंगल में रहने वाले कुछ भी चलता बोल के या नेतागण भी या मंडल हेडक्वार्टर में रह गए अभी तक वहाँ विजिट नहीं करे, मंडल प्रेसिडेंट हो या ZPTC हो MLA या अभी आदिवासी तक अभी आश्रम पाठशाला में अभी तक विजिट नहीं करे, हम KCR गवर्नमेंट बोलता तो हम तो चन्ना भी हम दे रहा सन्ना भी हम देखेगा पन्ना भी हम कुछ भी नहीं क्या देखे तो बहुत हाल बुरी हालत है। उस वास्ते हम तेलंगाना गवर्नमेंट में भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी पर इतना अन्याय मत करो, तुम बड़े बड़े बात मत करो, तुम दिला के तुम बात करो, लेकिन वैसे खाली आश्वासन दे के हमारे बच्चे को जूता घुमाना बोल के हमारे आदिवासी को बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। जय आदिवासी। जय आदिवासी।
भी आती है।